चमरिका अभी तक पता नहीं चला, खुदा जाने क्या हुआ उसके साथ। आज मैं कमाल की तरफ जाऊंगा। जैसे आपकी मर्जी। अंकल से कहे मिशाल को भेज दें किसी दिन, बहुत याद आ रही है। जैनब, ये कैसे आई? यकीन नहीं आ रहा मुझे, ये कैसे हुआ? उस औरत को राजी कर लिया मैंने। अगर किसी को इस फैसले से प्रॉब्लम ना हो तो जैनब अब इसी घर में रहेगी हम सबके साथ। एक बार फिर से खुशामदीद। खड़ी क्यों हो बेटा, चलो बैठ जाओ, हम सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। जैनब आओ मेरे पास बैठो। हाँ बस इसी की कसर रह गई थी। निकाल एक प्लेट लेके आओ इसके लिए। शुरू करो। शाबाश। बेटा बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने। हकीकत में यह शाबाशी किसी और को मिलनी चाहिए। ये इनकी इनकसारी है, क्योंकि अगर कल रात ये जैनब को लेने के लिए नहीं जाते तो ये हमारे साथ नहीं होती। तुम दोनों पर फख्र हो रहा है, यही तो मेरा ख्वाब था आमिर के लिए, इसे खुशियों भरी जिंदगी मिले। मैलिक, जैनब के लिए कमरा तैयार कर दो। मैं चाहता हूँ जो सहूलतें सोना के पास है वो सब जैनब को भी जरूर मिले। आप बेफिक्र हो जाएं हिकमत साहब, जैनब का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। चले शुरू करें साहब। तौबा खुदा गारत करे, ऐसा तो सोचा भी नहीं था।